इमामुल महदी ने कब आना है और इमामुल महदी की निशानियां क्या होंगी जिनसे हम उनको पहचानेंगे। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि क़यामत की तमाम अलामतें सुगरा मुकम्मल हो चुकी हैं, तमाम की तमाम छोटी निशानियां वो पूरी हो चुकी हैं, कोई भी ऐसी निशानी आपको नहीं मिलेगी कि क़यामत की जो पूरी ना हो चुकी हो। अब अलामाते सुगरा का वक्त आ चुका है और अलामाते सुगरा में जैसे हम सबको मालूम है कि इमामुल महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहली अलामाते कुबरा का वक्त हो चुका है और अलामाते कुबरा में पहली बड़ी निशानी यानी क़यामत की बड़ी निशानियों में पहली निशानी इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इमाम महदी की सबसे पहली निशानी है कि उनका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नाम पर होगा। उनकी दूसरी निशानी क्या है कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल अल महदी मिन इत्रति मिन औलादी फातिमा, कि इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरी औलाद में से होंगे और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हमारी और सब आपकी हम सब की माँ हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से इमामुल महदी होंगे। पहली निशानी हमने डिस्कस कर ली कि उनका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा। दूसरी निशानी उनकी ये है कि वो नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद में से होंगे। अब हम आते हैं तीसरी निशानी की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल महदी मिन्नी अजलल जबहती व अक्नल अन्फी यमलउल अर्दु किस्तं व अदलन कमा मुलिता ज़ुल्मं व जौरन यमलिकु सबअ सिनीन। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महदी मेरी औलाद में से होंगे जो कि कुशादा पेशानी वाले और बुलंद नाक वाले होंगे, वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे जैसे वो ज़ुल्म व सितम से भरी हुई थी और उनकी हुकूमत 7 साल तक रहेगी। ये भी अबू दाऊद शरीफ की रवायत है और इससे हमें मालूम होता है कि इमामुल महदी जब ज़ाहिर होंगे तो उनके अंदर एक खासियत पाई जाएगी, उनके चेहरे के नकूश भी हमें नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए और वो क्या है कि उनकी नाक ऊंची और पेशानी चौड़ी होगी। अभी तक हमने क्या काउंट कर लिया कि सबसे पहले इमामुल महदी का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा यानी कि मोहम्मद या अहमद, नंबर दो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हज़रत फातिमा और हज़रत अली की औलाद में से होंगे, नंबर तीन उनके चेहरे के नकूश ये होंगे कि नाक ऊंची और पेशानी चौड़ी होगी। अब आ जाएं अगली निशानी के ऊपर। चौथी निशानी इमामुल महदी की क्या है? ये गालिबन उनकी हुकूमत कायम होने के बाद होगी, लेकिन वो निशानी ये है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी क़िस्सतिल महदी ये कौल, के हज़रत अबू सईद खुजरी से भी ये रवायत भी हज़रत अबू सईद खुजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र फरमा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़यजीउ इलैहिर्रजुलु फ़यकूल या महदी अअतिनी अअतिनी क़ाला फ़यहसी लहू फ़ी सौबिही मस्तता अन यहमिलह। ये तिर्मिज़ी की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएगा और उनसे कहेगा ए महदी मुझे अता करो, और फिर वो दोबारा कहेगा कि ए महदी मुझे अता करो मुझे कुछ दो, तो इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस शख्स के कपड़े को उसके चोले को उसके दामन को भर देंगे, जो भी माल ज़खीरा गल्ला मालो दौलत या जो भी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम महदी के पास जो भी चीज़ होगी वो उसको इस कदर देंगे कि वो उसको उठाने से भी कासिर रहेगा। इमाम महदी की पहली निशानी के नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा, दूसरी निशानी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से होंगे, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली की औलाद में से होंगे, तीसरी निशानी के उनकी चेहरे के नकूशी होंगे कि नाक ऊंची और पेशानी चौड़ी होगी, चौथी निशानी कि वो लोगों को उनके चोली और दामन भर भर कर देंगे, गिनेंगे नहीं। इसी के बारे में मज़ीद हमें रवायात मिलती हैं कि वो लोगों को गिने बगैर देंगे। पांचवी निशानी की तरफ आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, अन सोबान इन क़ौल क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमु रायातुस्सूदा क़द जाअत मिन क़िबली खुरासान फ़अतूहा फ़इन्न फ़ीहा ख़लीफ़तुल्लाहिल महदी, रवाहु अहमद वल बहिकी। ये अहमद और बहिकी की रवायत है कि हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम खुरासान से काले झंडे आते हुए खुरासान की जानिब से, खुरासान की डायरेक्शन से काले झंडे आते हुए देखो तो उनका इस्तकबाल करो, फ़इन्नहु ख़लीफ़तुल्लाहुल महदी, क्योंकि उनके अंदर अल्लाह के खलीफा महदी होंगे। अब आ जाए उनकी पांचवी पे पहुँचे हम या छठी पे, पांच हो गई। छठी निशानी, छठी निशानी इमामुल महदी की ये है कि वो खुरासान की जानिब से आएंगे। इमामुल महदी खुरासान की जानिब से आएंगे यानी मदीना मुनव्वरा के मशरिक, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा के मशरिक की जानिब से खुरासान की डायरेक्शन से आएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी रिवायत में हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खलीफा के तीन बेटों में तजाद होगा, इख्तलाफ होगा, और उसके बाद क्या होगा कि सुम्मा तत्लु रायातुस्सूदी मिन क़िबलिल मशरिक, मशरिक की जानिब से काले झंडे तुलू होंगे। फबायु, उसके बाद रावी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ का ज़िक्र फरमाया जो कि रावी को याद नहीं रही, तो फिर रावी मज़ीद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फबायुहु वलौ हब्बन अलस्सल्लत फ़इन्नहु ख़लीफ़तुल्लाहुल महदी, कि चाहे तुम्हें बर्फ़ के ऊपर भी घसीट कर जाना पड़े तो जाके उनके साथ शामिल होना, क्योंकि उनके साथ अल्लाह के खलीफा महदी होंगे। छठी निशानी इमामुल महदी की क्या हो गई कि वो मशरिक की जानिब से आएंगे, और कैसे आएंगे, रायातुस्सूद के साथ आएंगे। रायातुस्सूद क्या है इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। कुछ काले निशान मशरिक की जानिब से आएंगे, इमामुल महदी उनके साथ आएंगे, और जब वो काले निशान ज़ाहिर हो जाएं तमाम की तमाम उम्मत के ऊपर उनकी बैत वाजिब हो जाएगी, लाजिम हो जाएगी, फ़र्ज़ हो जाएगी, और हर एक शख्स के लिए ऊपर लाजिम होगा कि वो उनकी बैत करें। एक रिवायत हमें मिलती है जो अक्सर हम सुनते हैं कि इमाम महदी जो होंगे वो मदीना मुनव्वरा में होंगे और वहाँ से मक्का मुकरमा की जानिब जाएंगे। उस रवायत के बारे में आते हैं और डिस्कस करते हैं कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बादशाह की मौत के बाद इख्तलाफ हो जाएगा, यकून इख्तलाफ़ इंदा मौत खलीफतिन फ़यख़रुज रजुल मिन अहलिल मदीनति हारिबन इला मक्का। बादशाह की मौत के वक्त इख्तलाफ हो जाएगा यानी एक बादशाह फौत होगा, वफात पा जाएगा, और उसके बाद उसके जानशीनों में इख्तलाफ हो जाएगा, फिर अहले मदीना से एक आदमी निकलकर मक्का की जानिब भाग खड़ा होगा, अहले मक्का से कुछ लोग उसके पास आएंगे और उसे घर से बाहर लाएंगे। वो नापसंद करता होगा इस बात को, लेकिन फिर भी रुकन यानी हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान उसके हाथ पर बैत कर लेंगे। अब क्या होगा कि शाम की जानिब से लड़ने के लिए उसकी तरफ एक लश्कर रवाना किया जाएगा, लेकिन इस लश्कर को मक्का और मदीना। अब क्या होगा कि जब मगरिब
मदीना मुनव्वरा से शख्स मक्का मुकरमा की तरफ जाएंगे यानी इमामुल महदी, तो फिर क्या होगा कि शाम की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि शाम की तरफ से उनके ऊपर हमले के लिए, उनके साथ लड़ने के लिए एक लश्कर रवाना किया जाएगा, लेकिन इस लश्कर को मक्का और मदीना के दरमियान एक मुकाम बैदा पर धंसा दिया जाएगा। ये इमामुल महदी की सबसे अहम तरीन निशानी है। इमामुल महदी की सातवीं निशानी क्या हुई कि जब इमामुल महदी से बैत कर ली जाएगी, लोग उनको, कुछ लोग उनको पहचान कर उनके हाथ पर बैत कर लेंगे, तो उसके बाद शाम से एक लश्कर रवाना किया जाएगा। शाम की जानिब से, ज़रूरी नहीं है कि शाम की सरजमीन से ही हो, शाम की जानिब से एक लश्कर रवाना किया जाएगा जो इमामुल महदी के ऊपर हमला करने के लिए, उनसे जंग करने के लिए आएगा। और मक्का और मदीना के दरमियान बैदा के मुकाम पर एक लश्कर, वो जो लश्कर है उसको धसा दिया जाएगा। जब वो लश्कर ज़मीन में धसा दिया जाएगा, उस वक्त इमामुल महदी की अहम तरीन निशानी भी पूरी हो जाएगी और तमाम लोगों के लिए, तमाम इंसानों के लिए इमामुल महदी के हाथ पर बैत करना ज़रूरी हो जाएगा।